आज जम्मू में करगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं को मिलाकर थिएटर कमांड बनाने का ऐलान किया। ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि राजनाथ सिंह ने यह नहीं बताया कि थिएटर कमांड बनाने का काम कब तक पूरा होगा। समय की प्रतीक्षा थी, सरकार बन गई। भारत ने जो उस समय सोचा था, हमने जाकर उसको पूरा कर दिया बहनों भाइयों, सरकार बनने के बाद। और लीगल, एक आर्टिफिशियल लीगल बैरियर जो लगा हुआ था जम्मू कश्मीर के साथ, धारा 370 का, हमने उसे समाप्त कर दिया। यहां पर मैं यह भी चर्चा करना चाहूंगा, कारगिल का जो युद्ध हुआ है उसमें हमारे थल सेना, वायुसेना और हमारी जो जलसेना यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर जो ज्वाइंटनेस, जो एकता देखने को मिली है, एक दूसरे का जिस तरीके से सहयोग किया है, हम लोगों ने उसी से सीख लेते हुए फैसला किया है किसी प्रकार से अब ज्वाइंट कमांड, यहां पर ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे हमारे देश में, अब ज्वाइंट थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। और उस दिशा में हम तेजी के साथ, मेरे बहनों भाइयों, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जम्मू में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं को याद करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और रहेगा। ये कैसा हो सकता है कि शिव के स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहाँ हों और माँ शारदा शक्ति स्वरूपा LOC के पार हों? कभी कभी लोग सवाल कहते हैं, सवाल करते हैं लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में आपको याद है, भारत की संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और आज भी वह संकल्प हम सबको याद है। पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर यह भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। हम इसको मानते रहेंगे बहनों भाइयों, से हम कभी भूलेंगे नहीं, कभी हम उसे भूलेंगे नहीं। ये कैसे हो सकता है? शिव स्वरूप बाबा अमरनाथ हमारे यहां हों और मां शारदा शक्ति स्वरूपा LOC के पार हों? बहनों भाइयों, यह बराबर है, यह चीज हमको सालती रहती। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।